कोरोना के आगे सरकार कितनी बेबस नजर आ रही है, इसका अंदाजा सरकारी अस्पतालों के हालात देखकर लगाया जा सकता है। जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, इलाज के लिए दवाइयां अभी तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत तेजी से सारे जिलों में पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग समीक्षा बैठक तो ले ही रहे हैं, अब उन्होंने सारे कलेक्टर्स को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सारे कलेक्टर को साफ कर दिया है कि उनके जिलों में कोरोना से लड़ने के जो भी हालात होंगे और जिस तरीके से कोरोना की दरें घटेंगी, उसी आधार पर कलेक्टर की रैंकिंग होगी। जहां इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिन जिलों में कोरोना कम होगा, वहां के कलेक्टर की रैंकिंग सबसे ऊपर होगी। शिवराज सिंह ने सभी कलेक्टर को सख्त हिदायत दी है कि वो अपने जिलों में इलाज का, अस्पतालों का, कोरोना पेशेंट के लिए भरपूर बेड का इंतजाम करें, कोरोना के खिलाफ वो सख्ती बरतें ताकि जिलों में कोरोना रोका जा सके। आपको बता दें 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश में मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में 78,000 के पार हो गई है। यही संख्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानियों का सबब बनी हुई है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस, और इसलिए ही उन्होंने कलेक्टर की रैंकिंग का ये तरीका ईजाद किया है ताकि सभी जिलों में तेजी से ये काम आगे बढ़ सके।